हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में, और हमारे पास मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी एनी टाइम अवेलेबल है। आज मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ कि अगर आपकी छत है या आपका टेरिस है तो वहाँ पे आप फ्लोरिंग के अंदर क्या यूज़ ले सकते हैं। आपकी ओपन छत हो गई तो ये है कि आपके वहाँ पे बारिश भी आएगी तो मतलब पानी भी वहाँ पे रहेगा, उसके अलावा एनी टाइम सनलाइट आएगी तो धूप भी वहाँ पे रहेगी। तो ऐसे में आप कौन सा मटेरियल यूज़ ले सकते हैं और एक अपने बजट में ले सकते हैं कि वो मटेरियल कभी ख़राब भी नहीं होए और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ, वहाँ आप मकराना मार्बल के कट पीसेस लगा सकते हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन ये रहता है कि आप मकराना चकडुंगरी मार्बल के कट पीसेस लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर एक छोटी साइज बताता हूँ, 12 इंच बाई 4 इंच की साइज आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये छोटे पीस है, ये 12 इंच बाई 4 इंच के पीस है, और ये जो क्वालिटी है ये चकडुंगरी की क्वालिटी है, जिसका जो क्रिस्टल आता है एकदम मिनिमम क्रिस्टल आता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है और 98% कैल्शियम भी आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मकराना चकडुंगरी मार्बल के छोटे कट पीसेज हैं। अब ये लगने के बाद में छत पे कैसे दिखते हैं तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये जो कम्प्लीट फ्लोरिंग है ये मकराना चकडुंगरी मार्बल की कट पीसेज की फ्लोरिंग है, जिसके अंदर जो साइज है 12 इंच बाई 4 इंच है, और इसको हमने थोड़ा डिज़ाइन में लगा रखा है। तो आप ये कंप्लीट देख पा रहे हैं, एक जिग जैग डिज़ाइन के अंदर ये मटेरियल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमने फ्लोरिंग रेडी करवाई थी, जो कंप्लीट छत हमने रेडी करवाई ये 2007 में करवाई थी। तो 2007 से 17 13 साल हो गया, तो 13 साल से ये मटेरियल आप देख पा रहे हैं जैसा है वैसा ही रहा है। इसके अंदर कोई जंग का प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही इसके अंदर कोई डिफेक्ट रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि आप मकराना मार्बल का यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ प्राइस का, अगर आप ये मटेरियल लेते हैं तो ये क्या प्राइस इस मटेरियल की रहती है, और उसके अलावा ये फिटिंग चार्जेज इसका क्या रहता है। अब ये जो 12 इंच बाई 4 इंच का पीस है तो इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इसकी जो प्राइस है एवरेज आप 15 रुपये से लेके 20 रुपये स्क्वायर फिट मान के चलिए। तो एवरेज आप 15 रुपये स्क्वायर फिट प्राइस मानते हैं तो ये सिंगल पीस 5 रुपये पीस हो गया, और 3 पीस होते ही 15 रुपये स्क्वायर फिट इसकी प्राइस हो गई। तो इसको आप फ्लोरिंग में रेडी करवाते हैं तो 15 रुपये स्क्वायर फिट आपके मार्बल का जो खर्चा है वह आएगा। उसके बाद में आप इसको फिटिंग कराते हैं तो आप एक बार ये देखिए, इस तरीके से आप पूरी फिटिंग करवाते हैं तो आप इस तरीके से फिटिंग करवाएंगे तो इसके अंदर क्या है ना कि आपको ये 2 सूट का साउथ ब्लैक का बॉर्डर यूज़ करके पूरा काम किया गया है। तो ये फिटिंग करवाते हैं तो आपके कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हर पीस के बाद में ये आप देख पा रहे हैं, एक एक पीस के बाद में ये साउथ ब्लैक बॉर्डर यूज़ किया गया है 2 सूट का, तो ये आपको थोड़ी कॉस्टली जाएगी। इसके जो आप एवरेज प्राइस मानते हैं तो 30 से 35 रुपीस पर स्क्वायर फीट आप प्राइस मान के चलिए। तो ये अगर बजट से बाहर होता है और छत पे ज़्यादा काम नहीं रहता है तो इसमें एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप मकराना मार्बल के ही ये छोटे दाने आते हैं तो आप इसे दाना भर के भी लगा सकते हैं। ये मकराना वाइट के ही दाना आते हैं तो आप इसे सबसे बड़ा तो ये है कि आप इसको वाइट में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर कलर भर के भी लगा सकते हैं, रेड या ग्रीन या फिर ब्लू अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप दाना भर के लगाते हैं तो 20 रुपये स्क्वायर फीट आपके फिटिंग खर्चा आएगा। तो 15 रुपये और 20 रुपये टोटल आपके 35 रुपये के अंदर आपकी ये फिटिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया मकराना के जो 12 इंच बाई 4 इंच की आप फिटिंग करवाते हैं तो आपके जो 15 रुपये स्क्वायर फीट मार्बल का चार्जेस हो गया, और मकराना मार्बल का फिटर हो तो 20 रुपये फिटिंग चार्जेस, टोटल मिला के आपके 35 रुपीस पर स्क्वायर फीट हो गया। अगर यही आप बजट फिर भी आउट जा रहा है तो सेकंड ऑप्शन है मकराना मार्बल की ही, एक और क्वालिटी आती है मकराना माताबर कुमारी की, ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। और जो ये पीस है 12 इंच बाई 4 इंच का पीस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ होगी 12 इंच होगी और जो इसकी ये 4 इंच हो गई, तो 12 इंच बाई 4 इंच का ये पूरा पीस है। तो इसकी आप जो मार्बल की कॉस्ट मानते हैं 8 रुपये से 12 रुपये स्क्वायर फीट मान के चलिए, एवरेज इसको 10 रुपये स्क्वायर फीट मान के चलते हैं।
तो 10 रुपये स्क्वायर फीट मार्बल कॉस्ट होगी, उसके बाद में फिटिंग का 20 रुपये मान के चलिए। ये मकराना मार्बल फिटिंग का चार्ज बता रहा हूँ एवरेज। अगर आप लोकल मिस्त्री से करवाते हैं तो हो सकता है 15 रुपये के अंदर ही आपके ये पूरा फिटिंग हो जाए। अगर लोकल मिस्त्री से करवाते हैं तो 15 रुपये फिटिंग और 10 रुपये ये, तो 25 रुपये के अंदर आपके कंप्लीट छत की फ्लोरिंग रेडी हो जाएगी और ये मटेरियल लगने के बाद में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अच्छा मिस्त्री हायर करते हैं मकराना से तो आप एवरेज ये मान के चलिए 10 रुपये ये और 20-30 रुपीज़ के अंदर आपके कंप्लीट फिटिंग हो जाएगी। तो आपको जो हमारे यहाँ पे रेडी ये लगी हुई है, ये मकराना मार्बल चकडूंगरी की क्वालिटी है। एक बार ये कंप्लीट फ्लोरिंग में आपको दिखा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मटेरियल लगने के बाद में किस तरीके से लगता है। ये जो कंप्लीट मटेरियल है ये अनपॉलिश्ड है और इस पर अभी कोई वाटर अप्लाई नहीं है, तो आप इसका रफ एक लगाया हुआ देख सकते हैं कि बिना पॉलिश के भी मकराना मार्बल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है जिग जैग डिज़ाइन के अंदर ये कंप्लीट लुक दिया है, तो ये मटेरियल काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जैसे ये 12 इंच बाई 4 इंच है, इसी तरीके से आप इसमें 12 इंच बाई 5 इंच, 12 इंच बाई 6 इंच, 12 बाई 9 इंच अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज का सिलेक्शन कर सकते हैं और कंप्लीट मटेरियल ये फिटिंग करवा सकते हैं। और मेरी नज़र में ये छत के लिए बेस्ट मटेरियल है। आप खुद देख पा रहे हैं ये मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको शाम को छत पर भी जाते हैं तो ये एक आपको शानदार लुक देने वाला है और काफ़ी अच्छा मटेरियल ये आपको देखने को मिलेगा। और इस मटेरियल की सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, फ्यूचर के अंदर कभी ख़राब नहीं होगा और लुकिंग भी काफ़ी इसकी अच्छी है। इसका जो कलर है, इसका बेस वाइट है और वाइट के ऊपर ग्रे लाइनिंग है। तो इस तरीके से आपको मार्बल की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमारे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।